हेलो बच्चों, वेलकम टू दी चैनल वेदांतु नीट मेड इजी। मैं हूं आपकी मास्टर टीचर कनिका और आज बच्चों हम सॉल्व करने वाले हैं PYQs फ्रॉम दी चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। बच्चों आप जानते हैं ये यूनिट आजकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर यूनिट बायोटेक्नोलॉजी में से पूछे जा रहे हैं और आज हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चंस फ्रॉम द सेकंड चैप्टर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी दैट इज बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, जो कि आपकी क्लास 12 का बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है बच्चों। और आई होप आप सब रेडी हैं, आपने अपनी नोटबुक साथ में रख ली है। हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सॉल्व करना PYQs फ्रॉम दिस चैप्टर। आप लोग सॉल्व करके एंड में मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना कि कितने क्वेश्चंस आपने सही किए और कितने गलत। मैं हर एक क्वेश्चन के लिए आपको दूंगी 20 सेकंड्स का टाइम बच्चों। ध्यान रहे कि उस 20 सेकंड्स में आप जल्दी से अपना आंसर लिख दें। ऑलराइट बच्चों, आई होप यू आर रेडी। शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन बच्चों, आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। मैच द ऑर्गेनिज्म विद इट्स यूज इन बायोटेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर कॉलम 1 में आपके पास कुछ ऑर्गेनिजम्स के नाम गिवन है और आपको कॉलम 2 में उनके फंक्शन से हम कैसे उनको बायोटेक में यूज कर रहे हैं, क्यों, क्या उनकी एप्लीकेशंस है बेसिकली, राइट, उनके साथ आपको करेक्टली मैच करना है। क्वेश्चन है नीट 2020 का बच्चों, ध्यान से पढ़िए। कॉलम 1 में गिवन है आपके पास बैसिलस थ्यूरिंजेनेसिस, थर्मस एक्वेटिकस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस और सैल्मोनेला टाइफिम्यूरियम। आपको मैच करना है करेक्ट ऑप्शन के साथ। और बच्चों यहाँ शुरू कर देती हूँ मैं आपका टाइमर, 20 सेकंड्स का टाइमर आपके लिए मैं सेट कर रही हूँ बच्चों। हर एक क्वेश्चन आपको 20 सेकंड में सॉल्व करके जल्दी से बताना है मुझे व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस। तो आराम से पढ़िए। कॉलम 2 में आपके पास ऑप्शंस गिवन है, क्लोनिंग वेक्टर, कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट DNA मॉलिक्यूल, DNA पॉलीमरेज एंजाइम या फिर क्रायोप्रोटीन्स। ध्यान से पढ़िए, 10 सेकेंड और आपको दे रही हूँ सोचने के लिए और अगले 10 सेकेंड के बाद शुरू होने वाला है आपका काउंटडाउन फॉर आंसरिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। यस बच्चों, जल्दी से बताइए बैसिलस, थर्मस, एग्रोबैक्टीरियम, सैल्मोनेला का क्या रोल है, क्या यूज है बायोटेक में। तो बच्चों शुरू होता है आपका 20 सेकंड्स का टाइमर ऑन योर स्क्रीन। हरी आप सब लोग मुझे सोच के बताएं जल्दी से कि क्या राइट आंसर होगा। यस बच्चों, हरी आप। लास्ट 10 सेकंड्स, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। टाइम अप बच्चों, टाइम अप। तो मैंने आपको 20 सेकंड दिए थे इस सवाल के लिए। बहुत इजी क्वेश्चन था, बायोटेक्नोलॉजी यूनिट के दोनों चैप्टर से मिक्स एंड मैच करके ये क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों। आप जानते हैं इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बिकॉज बैसिलस थ्यूरिंजेनेसिस की बात करें तो बच्चों ये BT कॉटन में यूज होता है और इसमें जिस तरह के प्रोटीन्स की हम बात करते हैं उनको बोलते हैं हम क्राय प्रोटीन्स। क्राय स्टैंड्स फॉर क्रिस्टल प्रोटीन्स, राइट। और अगर मैं बात करूं B ऑप्शन की, थर्मस एक्वेटिकस, बच्चों थर्मस एक्वेटिकस एक ऐसा बैक्टीरिया है, कैसा आर्की बैक्टीरिया है जिससे हमने एक बहुत स्पेशल तरह का DNA पॉलीमरेज एंजाइम ऑब्टेन किया है जिसे हम यूज करते हैं PCR साइकिल में एंड इट इज नोन एज टैक पॉलीमरेज। ऑलराइट, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस की बात करें बच्चों तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लोनिंग वेक्टर है जिसको हम यूज करते हैं फॉर प्रोटेक्टिंग द टोबैको प्लांट्स फ्रॉम रूट क्राउन गॉल डिजीज, राइट। रूट का एक बहुत पॉपुलर डिजीज है, उससे बचाकर हम एक्चुअली कुछ अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंट्रोड्यूस करा पाते हैं विद एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस। लास्टली बच्चों सैल्मोनेला टाइफिम्यूरियम आप फर्स्ट चैप्टर ऑफ बायोटेक में पढ़ के आए हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस में कि फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट DNA मॉलिक्यूल हमने प्रोड्यूस किया था बाय ट्रांसफरिंग जीन्स फ्रॉम सैल्मोनेला टू E. coli, राइट। तो आपका जो राइट कॉम्बिनेशन यहाँ पर बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर A। आई होप आप सबने यही आंसर लिखा था। अगर नहीं बच्चों तो जाकर रिवाइज करिए अपना कॉन्सेप्ट और बहुत इजी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ऑलराइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मैं आपको स्निप में भी दिखा देती हूँ बच्चों। इस चैप्टर की बात करें बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस तो क्लियरली मेंशन है बैसिलस थ्यूरिंजेनेसिस को आपने यूज किया है एक पर्टिकुलर जीन ट्रांसफर करने के लिए, राइट। ये बैक्टीरिया है जिसको आप शॉर्ट में BT लिखते हैं बच्चों। BT कॉटन प्रोड्यूस करने के लिए BT सोयाबीन, BT पोटेटो, टमेटो, बहुत सारी क्रॉप्स हमने इस पर्टिकुलर वेक्टर से बेसिकली प्रोड्यूस की हैं, राइट। पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स की बात करें बच्चों, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स में भी हम स्पेशली बात करते हैं एक बैक्टीरिया की जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम, जो इन नॉर्मल प्लांट में कुछ डिजीजेस कॉज करता है, राइट। लेकिन हमने इस पैथोजन को डिसआर्म करके अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसफर करना चाहा है इन दी प्लांट, इन दी प्लांट स्पीशीज। और वो कौन से प्लांट्स की बात हो रही है बच्चों? यहाँ पर टबेको प्लांट्स की, टबेको प्लांट्स की। ऑलराइट, सबको क्लियर हुआ? यस और नो? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, वेरी इजी क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए। नीट 2020 का क्वेश्चन है, नीट 2020 का क्वेश्चन है, RNA interferences used for which of the following purposes in field of biotechnology? तो RNA interference की जो हम टेक्निक यूज करते हैं वो क्या पर्पस सर्व कर रहा है बायोटेक के अंडर? टू डेवलप अ प्लांट टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस। क्या हम ऐसा प्लांट प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं जो एबायोटिक स्ट्रेस के लिए टॉलरेंट है? क्या हम एक ऐसा पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं जो कि एक पर्टिकुलर नेमाटोड के लिए इन्फेस्टेशन को रोकता है, एक पर्टिकुलर नेमाटोड की, राइट। टू एनहांस द मिनरल यूजेज बाय प्लांट। क्या हम चाहते हैं प्लांट की जो मिनरल यूजेज है, मिनरल कैपेसिटी है यूज करने की, वो बढ़ जाए इस पर्टिकुलर टेक्निक के यूज से? या फिर हम चाहते हैं कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कम हो जाएं? तो बच्चों एक बहुत स्पेसिफिक एग्जांपल है आपके चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस का, तभी यहाँ पर नीट 2020 में बहुत रिसेंटली ये क्वेश्चन पूछा गया। और बच्चों ये बहुत कॉमन है, आपको इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना चाहिए इस टेक्निक को, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक। इससे बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो अगेन बच्चों आई एम रिपीटिंग, आरएनए इंटरफेरेंस को आप किन पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी में? आपके 20 सेकेंड की टाइमिंग शुरू होती है, 20 सेकेंड का टाइमर बच्चों शुरू कर रही हूँ। आई होप आप राइट आंसर पे पहुंच चुके हैं। दिस इज द काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बताइए क्या आप इसको प्लांट टॉलरेंट बनाने के लिए यूज कर रहे हैं एबायोटिक स्ट्रेस के लिए, इन्फेस्टेशन अवॉइड करने के लिए यूज कर रहे हैं फॉर अ नेमाटोड, या फिर आप मिनरल यूजेज बढ़ाना चाहते हैं, या फिर आप पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कम करना चाहते हैं? 3, 2, 1 टाइम अब बच्चों। ऑफ कोर्स बहुत कॉमनली, बहुत फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन है, ऑब्वियसली आप पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट प्रोड्यूस करना चाहते हैं बच्चों, आप एक पर्टिकुलर तरह के पेस्ट को यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं। कौन सा पेस्ट है वो? नेमाटोड। अगर मैं आपको पेस्ट का नाम बताऊं बच्चों, एनसीईआरटी स्निप मैंने अभी आपको इससे पहले भी दिखाया था, बट दोबारा देख लेते हैं कि आप पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बना रहे हैं। पहली बात तो राइट, आपको याद रखना है कि बहुत सारे नेमाटोड्स जो हैं बहुत सारे प्लांट और एनिमल को पैरासाइटाइज करते हैं। इसमें से एक पर्टिकुलर नेमाटोड है मेलॉइडोगाइन इनकॉग्निशिया, राइट। एक पर्टिकुलर तरह का नेमाटोड का नेमाटोड का नाम यहाँ दिया है जो टबेको प्लांट्स को रूट्स के अंदर इन्फेक्शन कॉज करता है, जिसकी वजह से टबेको प्लांट्स की यील्ड बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। तो बच्चों इसके लिए हमने एक स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की है, एक नोवेल स्ट्रैटेजी बनाई है इस इन्फेस्टेशन से बचने के लिए, टोबैको प्लांट्स को इस इन्फेस्टेशन से बचाने के लिए, और उसका नाम है आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक। तो बहुत ही बेसिक सवाल बच्चों, बहुत डेप्थ में क्वेश्चन नहीं पूछा है, बहुत बेसिक पूछा गया है इस पर्टिकुलर टेक्निक के बारे में। बट जैसा मैंने आपको कहा, आप इसमें से सवाल बार बार एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसलिए आप अपनी बुक में इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। इसमें से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं क्वेश्चन पूछे जाने के। अभी आप इसी सीरीज में, इसी पर्टिकुलर सेशन में देखेंगे कितनी बार क्वेश्चन कितने अलग तरीकों से पूछा गया। सो आई होप इट्स क्लियर टू यू, सबको क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, बीटी कॉटन वेराइटी that was developed by the introduction of toxin gene of Bacillus thuringiensis। तो हमने एक BT cotton variety तैयार की है, राइट, बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन से। कैसे तैयार की है? हमने एक जीन ट्रांसफर कराया है Bacillus thuringiensis बैक्टीरिया का, जो कि किसके लिए रेजिस्टेंट है? फंगल डिजीजेस के लिए, प्लांट नेमाटोड्स के लिए, इंसेक्ट प्रेडेटर्स के लिए, या इंसेक्ट पेस्ट के लिए। नीट 2020 का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए बच्चों, बहुत डायरेक्ट, बहुत सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप ऑप्शंस को भी देखें तो आप इसमें से पिक द ऑड वन आउट करके राइट आंसर पे बहुत इजीली पहुंच जाएंगे। ध्यान से सोचिए, बीटी कॉटन वैरायटी जो कि डेवलप की गई है जीन ट्रांसफर के थ्रू फ्रॉम अ बैक्टीरिया बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, वो किस चीज से, किस पेस्ट से, किस ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए हमने बनाई है? फंगल डिजीजेस से बचाना चाहते हैं हम प्लांट को, प्लांट नेमाटोड से बचाना चाहते हैं, इंसेक्ट प्रेडेटर से बचाना चाहते हैं या इंसेक्ट पेस्ट से बचाना चाहते हैं। बच्चों आई होप आपको राइट आंसर मिल गया। फिर भी मैं आपको 20 सेकंड का टाइम और दे रही हूँ, जल्दी से अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं वेट कर रही हूँ। यस बच्चों हरी अप, सब लोग अपना राइट आंसर कॉमेंट बॉक्स में बताइए। लास्ट 10 सेकेंड बच्चों। 5 4 3 2 1 टाइम अप। ऑफ कोर्स बच्चों जब हमने बीटी कॉटन वैरायटी की जब हम बात करते हैं, बीटी सोयाबीन की बात करते हैं, तो ऑफ कोर्स हम रेजिस्टेंट बना रहे हैं हमारी क्रॉप वैरायटीज को फ्रॉम इंसेक्ट पेस्ट। एक पर्टिकुलर क्लास, एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ पेस्ट से जब हम अपनी वैरायटी को रेजिस्टेंट बना रहे हैं थ्रू द यूज ऑफ जीन फ्रॉम बैसिलस थ्यूरिंजिएनिस, ऑफ कोर्स यहाँ पर फंगल डिजीजेस की बात नहीं हो रही है, प्लांट नेमाटोड्स कुछ नहीं होते हैं और इंसेक्ट प्रेडेटर्स भी हो सकता था बच्चों, बट यहाँ पर हम बायो कंट्रोल एजेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर उन पैथोजेंस की बात कर रहे हैं, हम प्रेडेटर्स की नहीं, हम पैथोजेंस की बात कर रहे हैं जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं। और बच्चों जो पैथोजेंस इन्फेक्ट करते हैं प्लांट को उसको हम पेस्ट कहते हैं इन जनरल, और जो इंसेक्ट की कैटेगरी में फॉल करते हैं उनको हम इंसेक्ट पेस्ट कहते हैं। तो आपके सामने है बच्चों, मैं आपको स्निप दिखा देती हूँ फ्रॉम दी एनसीईआरटी बुक, जहाँ पर हमने बात की है कि सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर आर प्रोडक्शन ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स। तो सबसे पहले आपको समझ में आ गया कि हमने पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट प्रोड्यूस किया है, ठीक है। हमने कौन से बैक्टीरिया को यहाँ पे यूज में लिया है? बैसिलस थ्यूरिंजिएनिस को, और हमने ये जीन क्लोन किया है बैक्टीरिया के अंदर सो दैट रेजिस्टेंस ऑफ इंसेक्ट्स रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट्स प्लांट्स के अंदर खुद ब खुद बढ़ जाए। तो आई होप आपको समझ में आया बच्चों। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, बीटी राइस, टमेटो, पोटैटो, सोयाबीन, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने। तो एनसीईआरटी बुक के स्निप्स हम साथ के साथ देखते जा रहे हैं कि कहाँ से सवाल आए हुए हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। आई होप आपको क्लियर हुआ बच्चों। रेपिटेटिव सवाल है, रेपिटेटिव कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, अच्छे से रिवाइज कर लें, तो हाफ ऑफ योर वर्क इज ऑलरेडी डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। विच पार्ट ऑफ द टबेको प्लांट इज इन्फेस्टेड बाय मेलोइडोगाइन इनकॉग्निशिया? आपके पास एक नेमाटोड का नाम गिवन है, आपके पास प्लांट का नाम गिवन है, आपको बताना है कौन से पार्ट ऑफ द प्लांट में जनरली ये नेमाटोड जो है इन्फेक्शन कॉज करता है। नीट 2016 का क्वेश्चन है। क्या ये लीफ में इन्फेक्शन कॉज करता है बच्चों, स्टेम में करता है, रूट में करता है या फ्लावर में करता है? ध्यान से सोचिए, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको एक एनसीईआरटी स्क्रीनशॉट में दिखाया था, क्लियरली लाइन हमने अंडरलाइन की थी, मार्क की थी कि बच्चों ये साइट ऑफ इन्फेक्शन है इन टबेको प्लांट्स। विच पार्ट ऑफ द टबेको प्लांट इज इन्फेक्टेड बाय मेलोइडोगाइन इनकॉग्निशिया? ध्यान से सोचिए, बहुत इजी सवाल, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसीलिए मैं आपका 20 सेकेंड्स का टाइमर शुरू करती हूं अब। जल्दी से सोच के अपना राइट आंसर लिख दीजिए कॉमेंट बॉक्स में। हरी अब बच्चों, क्विकली। 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 टाइम अब बच्चों, टाइम। अभी हमने एनसीईआरटी स्निप्स में देखा था कि बच्चों मेलोइडोगाइन इनकॉग्निशिया जो कि एक बहुत सीवर पेस्ट नेमाटोड है, राइट, ये इन्फेक्शन कॉज करता है रूट पार्ट ऑफ टबेको प्लांट्स में। तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर रूट्स। अगर मैं आपको एनसीईआरटी स्निप में दोबारा से दिखाऊं बच्चों अंडरलाइन करके कि कहाँ पर हम ये लाइन पढ़ के आए हुए हैं, तो मैं आपके लिए हाईलाइट कर देती हूँ। इनफैक्ट यहाँ पर यू कैन क्लियरली सी बच्चों दैट सेवरल नेमाटोड्स पैरासाइटाइज अ वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये हम पढ़ चुके हैं। एक नेमाटोड है इनमें से मेलोइडोगाइन इनकॉग्निशिया जो कि कहाँ इन्फेक्ट करता है? रूट्स के अंदर बच्चों। क्लियरली मेंशन्ड है रूट्स के अंदर, कौन से प्लांट्स में? टबेको प्लांट्स में, जिसकी वजह से टबेको प्लांट की बहुत ज्यादा रिडक्शन हो जाती है यील्ड के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर, राइट। तो क्लियर मेंशन बच्चों, बहुत क्लियरली मार्क्ड है आपके सामने कौन से प्लांट की बात हो रही है, कौन से पार्ट ऑफ द प्लांट की बात हो रही है और जो नेमाटोड इन्वॉल्व है उसका नाम क्या है। तो घुमा फिरा के आरएनए इंटरफेरेंस से आपको क्वेश्चन बार बार मिल रहा है, ध्यान से पढ़िएगा, इस कॉन्सेप्ट को बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, नेक्स्ट सवाल बच्चों आपकी स्क्रीन पर, गोल्डन राइस एक जेनेटिकली मॉडिफाइड, एक मिनट लेट मी सी क्या हुआ, हाँ जी, तो गोल्डन राइस एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट है जहां पर इनकॉर्पोरेटेड जीन जो है वो एक पर्टिकुलर बायोसिंथेसिस को बढ़ा देता है। क्या वो बायोसिंथेसिस विटामिन बी का है, विटामिन सी का है, ओमेगा 3 का है या विटामिन ए का है? तो सवाल आपके सामने है बच्चों, ध्यान से पढ़िए। AIPMT 2015 का क्वेश्चन है, गोल्डन राइस को जेनेटिकली मॉडिफाई किया है आपने, एक GMO तैयार किया है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म तैयार किया है बच्चों। इसमें आपने एक जीन इनकॉर्पोरेट किया है जो कि क्या बढ़ाता है, क्या वो विटामिन बी, विटामिन सी, ओमेगा 3 या विटामिन ए? इन चारों में से कौन से कंटेंट को, कौन से बायोसिंथेसिस को इंक्रीज करता है? ध्यान से सोचिए, बहुत पॉपुलर, बहुत फेमस एग्जाम्पल है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, 10 सेकेंड और देती हूँ, ध्यान से सोचिए। बहुत इजी, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन, फिर ही मैं आपका 20 सेकेंड्स का टाइमर शुरू करूंगी बच्चों। हरी आप ध्यान से सोचिए, बहुत इजी है, इजीली सब बच्चे आंसर कर सकते हैं। यस बच्चों 20 सेकेंड और, 20 सेकेंड और आप जल्दी से अपना आंसर लिखिए। यस बच्चों हरी आप क्विकली, सबको ये आंसर आना चाहिए, बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ दी चैप्टर। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप बच्चों, टाइम अप। ऑफ कोर्स आप जानते हैं कि गोल्डन राइस को हमने जेनेटिकली मॉडिफाई किया है विटामिन ए में और ज्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए, और ज्यादा बायोसिंथेसिस ऑफ विटामिन ए हम कराना चाहते हैं, इसीलिए हमने गोल्डन राइस की वैरायटी तैयार की है, राइट। अगर मैं आपको NCERT स्निप में दिखाऊं बच्चों, जहां पर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की हम बात करते हैं कि हमने न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड बढ़ाई है, कैसे? एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपके सामने गोल्डन राइस का, दैट इज रिच इन विटामिन ए। तो विटामिन ए एनरिच्ड राइस हमने बनाए हैं जिनका नाम है गोल्डन राइस, बिकॉज उनका कलर बहुत ही ज्यादा येलोइश गोल्डन हमें नजर आता है, इसलिए हम इनको गोल्डन राइस कहते हैं। बट बच्चों इनका न्यूट्रिशनल कंटेंट हमने इंप्रूव किया है जेनेटिक मॉडिफिकेशन से, और आप सब लोग जानते हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन का मतलब हुआ कि हमने जिन प्लांट, बैक्टीरिया, फंजाई या एनिमल्स में जीन मैनिपुलेशन की है, जीन्स को ऑल्टर किया है, उनको हम बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। और ऐसे प्लांट्स जिनमें हमने पेस्ट रेजिस्टेंस, एबायोटिक स्ट्रेस रेजिस्टेंस या पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कम करने के लिए, या फिर हमने केमिकल पेस्टिसाइड्स का इफेक्ट रिलायंस डिक्रीज करने के लिए, या न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाने के लिए काम किया हो, उन पर्टिकुलर प्लांट्स को हम जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स कहते हैं, जिसमें से वन ऑफ द गुड एग्जाम्पल इज ऑफ golden rice given in your NCERT book in the chapter biotechnology and its applications. I hope आपको क्लियर हुआ है बच्चों, याद रखेंगे आप ये, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे कि eyesight कैसे बहुत इंप्रूव की जा सकती है, कौन सी वैरायटी ऑफ राइस खाने से। तो गोल्डन राइस क्योंकि वो किसमें रिच है, विटामिन ए। सिमिलरली आपको क्वेश्चन मिल सकता है कि ब्लाइंडनेस को हटाने के लिए या कम करने के लिए या इन सब आई रिलेटेड प्रॉब्लम से डील करने के लिए आप कौन सी वैरायटी ऑफ राइस यूज करेंगे, दैट विल बी गोल्डन राइस। तो बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पर, इंट्रोडक्शन ऑफ DNA tDNA into plants involves what? Infection of plant by Agrobacterium tumefaciens, altering the pH of soil, heat shocking the plants, exposing the plants to cold for a brief period, या allowing the plant roots to stand in water। AIPMT 2015 का क्वेश्चन है बच्चों। tDNA अगर आप प्लांट्स के अंदर इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो ये किससे रिलेटेड है, आप क्या करना चाहते हैं? प्लांट्स का आप इन्फेक्शन करा रहे हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस बैक्टीरिया से, सॉइल के pH को अल्टर कर रहे हैं, हीट शॉक दे रहे हैं प्लांट को, या फिर आप प्लांट्स को एक्सपोज कर रहे हैं कोल्ड टेम्परेचर से कम टाइम के लिए, ब्रीफ पीरियड के लिए, और या फिर आप अलाउ कर रहे हैं प्लांट्स को टू स्टैंड इन वाटर। हाँ जी ध्यान से सोचिए, बहुत इजी क्वेश्चन, बार बार रिपीट हो चुका है। ट्रांसफर ऑफ DNA की बात हो रही है बच्चों, राइट क्लियर। तो 20 सेकेंड और आपके पास, ध्यान से सोचकर अपना राइट आंसर लिख दीजिए कॉमेंट बॉक्स में, और फिर मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ से सवाल आया है। फिर से बहुत ही ज्यादा रेपिटेटिव टॉपिक है। लास्ट 10 सेकेंड, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. टाइम अप बच्चों, टाइम अप। तो ऑफ कोर्स जैसा कि हम अभी तक बात करते आए हैं बच्चों, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस बैक्टीरिया जो कि आपने इंट्रोड्यूस एज अ वेक्टर यूज किया है फॉर ट्रांसफर ऑफ पर्टिकुलर सेट ऑफ जीन्स, और मैं आपको एनसीईआरटी स्निप में से दिखाती हूँ। अगेन बच्चों ये क्वेश्चन है पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स का, नेमाटोड इन्फेक्शन की बात हो रही है, टेक्निक है आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक, जहां पर हम यूज कर रहे हैं वेक्टर एग्रोबैक्टीरियम को। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस एक बैक्टीरियम है जिसको हम एज अ वेक्टर यूज कर रहे हैं। क्या ट्रांसफर करना चाहते हैं हम? वो स्पेसिफिक जीन्स ट्रांसफर करना चाहते हैं इस वेक्टर के थ्रू जो कि नेमाटोड को हार्म कर सके, जो कि नेमाटोड को टारगेट कर सके और प्लांट को डिजीज फ्री बना सके। ऑलराइट, क्लियर है? तो यहाँ पर बच्चों जो डीएनए पर्टिकुलरली हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं उसको हम बोलते हैं टीडीएनए। ऑलराइट, क्लियर हुआ सबको? सबको समझ में आया व्हाट इज टीडीएनए? टीडीएनए का यहाँ पर ट्रांसफर किया जा रहा है जो कि नेमाटोड स्पेसिफिक जीन्स है। ऑलराइट, क्लियर टू यू? सबको समझ आया? जैसे मैंने आपको कहा था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये। अगेन क्वेश्चन इसी से पूछा गया है। ऑलराइट, क्लियर बच्चों? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, विच ऑफ द फॉलोइंग बीटी क्रॉप्स इज बीइंग ग्रोन इन इंडिया बाय द फार्मर्स? इन चारों में से कौन सी बीटी क्रॉप जो है पॉपुलरली इंडिया में ग्रो करी जा रही है? नीट 2013 का क्वेश्चन है। इज इट मेज, कॉटन, ब्रिंजल, सोयाबीन? कौन सी इनमें से बीटी क्रॉप है जो पॉपुलरली फार्मर्स इंडिया में ग्रो कर रहे हैं? तो 20 सेकेंड बच्चों और, हरिया सब लोग इस सवाल का जवाब जल्दी से लिख दें इन दी कमेंट बॉक्स। बहुत इजी, बहुत पॉपुलर, बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। लास्ट 10 सेकेंड, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम अप बच्चों, टाइम अप, टाइम अप। तो ऑफ कोर्स आप जानते हैं इसका राइट आंसर इज बीटी कॉटन। ऑल्दो बहुत सारी वैरायटीज प्रोड्यूस की गई हैं बट बच्चों इंडिया के बारे में पूछा गया है, तो इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वैरायटीज जो आज के टाइम पे हम यूज कर रहे हैं दैट इज बीटी कॉटन। राइट, यहाँ पर हमने बात किया है कि कैसे बैसिलस थ्यूरिंजिएनिसिस को हमने यूज किया है टॉक्सिन जीन ट्रांसफर करने के लिए, पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंसेक्ट्स को टारगेट करने के लिए, पेस्ट को टारगेट करने के लिए। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें से द बेस्ट एग्जाम्पल, द मोस्ट एक्सेप्टेड टाइप ऑफ क्रॉप इज बीटी कॉटन। ऑलराइट, क्लियर हुआ सबको? तो ये क्वेश्चन था नीट 2013 से। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंजम्पशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फूड्स कैन प्रिवेंट द काइंड ऑफ ब्लाइंडनेस एसोसिएटेड विद विटामिन ए? विटामिन ए की डेफिशिएंसी से जो भी ब्लाइंडनेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं वो कैसे क्योर किए जा सकते हैं? क्या देना चाहिए पेशेंट को? फ्लेवर सेवर टोमेटो, कैनोला ऑयल, गोल्डन राइस, बीटी ब्रिंजल? यस बच्चों, सब लोग सोच के बताएंगे। AIPMT 2012 का क्वेश्चन है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट आप लोग जानते हैं बट आपको अप्लाई करके बताना है कि क्या एक्चुअल में राइट कॉम्बिनेशन यहाँ पर बनेगा। विटामिन ए डेफिशिएंसी की बात हो रही है, ब्लाइंडनेस एसोसिएटेड डिसऑर्डर को प्रिवेंट करने के लिए आप क्या करेंगे? क्या पेशेंट को फ्लेवर सेवर टोमेटो दिया जाएगा, कैनोला ऑयल दिया जाएगा, गोल्डन राइस दिए जाएंगे या बीटी ब्रिंजल? बहुत इजी सवाल बच्चों। 20 सेकंड का टाइमर शुरू करती हूं मैं अब, क्योंकि बहुत इजी है। ऑलरेडी मैंने आपको समझाया है प्रीवियस स्लाइड में, स्निप भी दिखाया है। मैं फिर से आपको एनसीईआरटी स्क्रीनशॉट के थ्रू प्रूव करूंगी क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही है। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड टाइम अप। ऑफ कोर्स बच्चों राइट आंसर इज गोल्डन राइस। अभी हमने बात की थी जीएमओज की, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की, जहां पर हमने बहुत सारे तरह के जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स डिस्कस किए थे। बट बच्चों एक पर्टिकुलर कैटेगरी की अगर बात करूं जो हमने प्रोड्यूस करी है न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड बढ़ाने के लिए, एनहांस करने के लिए न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, बच्चों उसका एग्जाम्पल है गोल्डन राइस जो कि रिच है विटामिन ए में। और आपको पता है विटामिन ए एनरिच्ड राइस जो होंगे वो आपकी आईज के लिए बहुत अच्छे होंगे, आई साइट के लिए बहुत अच्छे होंगे। और क्वेश्चन में पूछा गया था ब्लाइंडनेस रिलेटेड एसोसिएटेड डिसऑर्डर को आप कैसे ठीक कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। तो बच्चों, अगर पेशेंट को गोल्डन राइस विटामिन ए की डेफिशिएंसी दूर करने के लिए दिए जाएंगे तो उसके जो डिसऑर्डर्स हैं रिलेटेड टू ब्लाइंडनेस, जो भी डिफेक्ट्स हैं, वो क्योर किए जा सकते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट आपकी बुक में था बट आपको एप्लीकेशन फॉर्म में पूछा गया था। तो बच्चों अगर आप ध्यान दें तो ये भी पैराग्राफ आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार घुमा फिरा के यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ऑलराइट, क्लियर टू यू? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बच्चों, प्रोसेस ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस हैज बीन यूज्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स रेजिस्टेंट टू। तो आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक की बात हो रही है, ये टेक्निक हमने क्या डेवलप करने के लिए यूज करी है? क्या हम प्लांट्स को रेजिस्टेंट बनाना चाहते हैं नेमाटोड्स के लिए, फंजाई के लिए, वायरसेस के लिए या इंसेक्ट्स के लिए? ध्यान से सोचिए, 10 सेकेंड्स का टाइम दे रही हूँ। जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है बच्चों, बहुत बारी ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो चुका है, यही मैंने अभी आपको बताया था, फिर से बता रही हूँ, फिर से स्निप दिखा के बताऊंगी कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं उन छोटे से टॉपिक्स में से जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो प्लांट आप किस लिए रेजिस्टेंट बनाना चाहते हैं? नेमाटोड्स के लिए, फंजाई के लिए, वायरसेस के लिए या इंसेक्ट्स के लिए? लास्ट 20 सेकेंड बच्चों, हरी अब अपना राइट आंसर लिख दीजिए, जल्दी से अपना राइट आंसर लिख दीजिए इन दी कमेंट बॉक्स। मैं वेट कर रही हूँ और फिर हम चलते हैं एनसीईआरटी स्निप की तरफ जहां पर इसके बारे में गिवन है। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप बच्चों, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। तो ऑफ कोर्स बच्चों अभी हमने कितनी बार बात करी है कि एक स्पेसिफिक तरह का नेमाटोड है मेलॉइडीगाइन इनकॉग्निशिया, इनकॉग्निशिया, जिसकी इन्फेस्टेशन को प्रिवेंट करने के लिए हमने एक टेक्निक स्ट्रैटेजाइज की है प्लांट्स के अंदर, स्पेशली टोबैको प्लांट्स की बात हो रही है जिनमें रूट इन्फेक्शन कॉज करता है ये नेमाटोड। बच्चों आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक की बात हो रही है जहां पर क्वेश्चन आपके सामने था कि कौन से इन्फेस्टेशन को रोकना चाहते हैं। बच्चों आप नेमाटोड से कॉज, नेमाटोड का नाम भी गिवन है मेलॉइडीगाइन इनकॉग्निशिया, जो कि रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट को इन्फेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा रिडक्शन कर देता है यील्ड में। बच्चों इस टेक्निक को, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक को आप इसीलिए इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इन प्लांट्स में ताकि आप इनको अटैक ऑफ नेमाटोड से बचा सकें थ्रू दी स्ट्रैटेजी ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस, जो कि बहुत वेल डिफाइंड है, यहाँ पर आपके सामने गिवन है। जिन बच्चों ने चैप्टर पढ़ा है उनको समझ में आता है ये टॉपिक कितना इम्पॉर्टेंट है, और जिनको नहीं पता है बच्चों अब आप देख सकते हैं पीवाईक्यूज में कितनी बार पूछा गया है अलग अलग तरीके से। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीटी कॉटन आर। एआईपीएमटी 2010 का क्वेश्चन है बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे गए हैं बीटी कॉटन के, क्या हो सकते हैं? क्या उनके पास लॉन्ग फाइबर होता है जो कि एफिड्स के लिए रेजिस्टेंट है? क्या उनकी यील्ड मीडियम होती है? यील्ड मीडियम मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम नहीं। क्या उनके पास लॉन्ग फाइबर होते हैं और क्या वो बीटल पेस्ट के लिए रेजिस्टेंट होती हैं? बीटी कॉटन की वेराइटीज हाई यील्ड होता है, प्रोडक्शन टॉक्सिक प्रोटीन क्रिस्टल्स की करती हैं जिससे वो डिप्टेरन पेस्ट को टारगेट कर सकती हैं। या फिर क्या कॉटन, बीटी कॉटन की वेराइटीज हाई यील्ड देती हैं, रेजिस्टेंस टू बॉलवर्म्स रखती हैं? यस बच्चों, तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास मिक्स एंड मैच के थ्रू यहाँ पर बन रहे हैं। किसी में एक पार्ट ठीक हो सकता है, किसी में दो पार्ट ठीक हो सकते हैं, बट आपको एक ऐसा ऑप्शन यहाँ पर चूज करना है, ऐसा ग्रुप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स चूज करना है जो बहुत ज्यादा सूटेबल हो। एआईपीएमटी 2010 का क्वेश्चन है बच्चों, लॉन्ग फाइबर, रेजिस्टेंस टू एफिड्स, मीडियम यील्ड, लॉन्ग फाइबर, रेजिस्टेंस टू बीटल पेस्ट, हाई यील्ड, प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन क्रिस्टल्स व्हिच किल डिप्टेरेंट्स, और हाई यील्ड एंड रेजिस्टेंस टू बॉलवर्म्स। क्या इसका सही आंसर होगा? जल्दी से बताइए। आपको 10 सेकेंड और देती हूँ बच्चों में सोचने के लिए और फिर मैं आपका काउंट डाउन शुरू करूंगी। हरी अप, सब लोग अच्छे से सोच के बताइए। यस बच्चों, तो लास्ट 20 सेकेंड आपके शुरू होते हैं अब, लास्ट 20 सेकेंड आपके शुरू होते हैं। आप जल्दी से बताइए क्या राइट आंसर होगा? बीटी कॉटन से रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछा गया। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप बच्चों, टाइम अप, टाइम अप। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर राइट आंसर होगा कि बीटी कॉटन की वेराइटीज हाई यील्ड प्रोड्यूस करती हैं, टॉक्सिक प्रोटीन क्रिस्टल्स को सिंथेसाइज करती हैं, क्योंकि हमने स्पेसिफिक तरह के जीन ट्रांसफर किया है बैसिलस थ्यूरिंजेनेसिस के थ्रू, बीटी बैक्टीरिया के थ्रू, जो कि डिप्टेरन पेस्ट को किल करने की कैपेबिलिटी रखती है। तो सबसे सूटेबल जो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं, दैट इज ऑप्शन सी। ऑलराइट, अगर मैं आपको दिखाऊं बच्चों, स्निप्स में क्लियरली मेंशन है, तो यहाँ पर बात की गई है बहुत सारे तरह के इंसेक्ट पेस्ट की, लेपिडोप्टेरेंस, कॉलियोप्टेरेंस, डिप्टेरेंस की। बट बच्चों यहाँ पर हमें प्रोटीन क्रिस्टल्स के बारे में भी जिस पॉइंट में मेंशन था, हमने उसे ही चूज किया है, क्योंकि ये क्रिस्टल्स टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन कैरी करते हैं, जो कि हेल्प करते हैं पेस्ट रेजिस्टेंस एनहांस करने में, पेस्ट रेजिस्टेंस इंड्यूस करने में इन दी पर्टिकुलर वैरायटी ऑफ कॉटन दैट इज नोन एज बीटी कॉटन। ऑलराइट, बीटी टॉक्सिन प्रोटीन क्या करेगा, इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होगा, प्रोटॉक्सिन की फॉर्म में प्रेजेंट होगा इंसेक्ट के अंदर। बट बच्चों जैसे ही ये इंसेक्ट के गट में एंटर करेगा, जैसे ही उसको अल्कलाइन पीएच मिलेगा गट में, वैसे ही वो कन्वर्ट हो जाएगा टॉक्सिन के अंदर, और वो हार्म कर देगा, वो डिसरप्ट कर देगा एपिथेलियल सेल्स को, लाइस कर देगा एपिथेलियल सेल्स को, ब्रेक डाउन कर देगा एपिथेलियल सेल्स को ऑफ द इंसेक्ट गट, ऑफ द पेस्ट गट। ऑलराइट, तो सबसे सूटेबल ऑप्शन था ऑप्शन सी। ऑलराइट, आई होप आपको क्लियर हो गया। बीटी कॉटन में से अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत भारी घुमा फिरा के सवाल इसमें से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर, ट्रांसजेनिक फूड क्रॉप है राइट, जो कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है नाइट ब्लाइंडनेस से रिलेटेड। डेवलपिंग कंट्रीज में ऐसी ट्रांसजेनिक फूड क्रॉप को यूज किया जा रहा है, AIPMT 2008 का क्वेश्चन है। तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी क्रॉप है वो, क्या वो बीटी सोयाबीन है, गोल्डन राइस है, फ्लेवर सेवर टमेटोज हैं, या स्टारलिंग मेज है? चारों वैरायटीज में से आपको ऐसी ट्रांसजेनिक क्रॉप यूज करनी है जो कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगी नाइट ब्लाइंडनेस से रिलेटेड इन डेवलपिंग कंट्रीज। यस बच्चों, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू आप ना सिर्फ इंक्रीज कर सकते हैं प्रोडक्शन को, बल्कि आप सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डिजीजेस इन द ह्यूमन पॉपुलेशन एज वेल। तो क्लियरली आप मुझे बताएंगे कि कौन सी क्रॉप आप मॉडिफाई कर चुके हैं, ट्रांसजेनिक बना चुके हैं, सो दैट आप उससे नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। लास्ट 20 सेकेंड बच्चों आपकी स्क्रीन पर शुरू होते हैं, आप जल्दी से अपना राइट आंसर कॉमेंट बॉक्स में लिखिए एंड लेट मी नो क्या सही क्रॉप है वो जिससे आप नाइट ब्लाइंडनेस प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम अप बच्चों, टाइम अप। ऑफ कोर्स द राइट आंसर इज गोल्डन राइस। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि गोल्डन राइस एक ऐसी वैरायटी है जो बहुत रिच है विटामिन ए में। विटामिन ए इज वेरी गुड फॉर योर आईसाइट, तो आईसाइट को इम्प्रूव करना है, उससे रिलेटेड डिफेक्ट्स को हटाना है। तो बच्चों हमें एक वैरायटी जो न्यूट्रिशनली इन्हांस वैरायटी है वो मिल चुकी है थ्रू GMO प्रोडक्शन, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के अंडर ये प्लांट्स आते हैं। क्या नाम है प्लांट का? गोल्डन राइस। और आप क्या डेफिशिएंसी दूर करेंगे? विटामिन ए की या आईसाइट रिलेटेड जो भी डिफेक्ट्स है वो क्योर किए जा सकते हैं बाय ईटिंग दिस ट्रांसजेनिक क्रॉप। तो ये बहुत बारी बात हो चुकी है बच्चों, बहुत बारी अलग अलग तरीके से हम क्वेश्चन देख चुके हैं, तो मतलब ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। आप इसे स्टार मार्क कर लें, प्लीज इसे स्टार मार्क कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, व्हेन जीन टारगेटिंग इन्वॉल्विंग जीन एम्प्लीफिकेशन इज अटेम्प्टेड इन एन इंडिविजुअल, जब हम किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल में जीन एम्प्लीफिकेशन करते हैं राइट, जीन मॉडिफिकेशन करते हैं टू ट्रीट अ डिजीज, एक पर्टिकुलर डिजीज को ट्रीट करने के लिए, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों? बायोपायरेसी, जीन थेरेपी, मॉलिकुलर डायग्नोसिस या सेफ्टी टेस्टिंग। नीट 2021 का बहुत ही रीसेंट क्वेश्चन है। जीन टारगेटिंग आप कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर जीन को टारगेट करके आप उसकी एम्प्लीफिकेशन कर रहे हैं राइट, और किस लिए कर रहे हैं? सो दैट आप एक पर्टिकुलर डिजीज को क्योर कर सके। तो इस प्रोसेस को जो आप इंडिविजुअल में कैरी आउट करेंगे बच्चों, उसको क्या बोलते हैं? बायोपायरेसी, जीन थेरेपी, मॉलिकुलर डायग्नोसिस या सेफ्टी टेस्टिंग। लेट मी नो द राइट आंसर फॉर दिस। बहुत इजी सवाल है, आपकी एनसीईआरटी बुक का डायरेक्ट टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसी में से पूछा गया। अभी मैं आपको एनसीईआरटी स्क्रिप्ट स्क्रीनशॉट और स्निप्स के थ्रू दिखाऊंगी कि कहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया। यस बच्चों, लास्ट 20 सेकेंड, हरी अप, जल्दी से अपना राइट आंसर लिख दीजिए। यस, एलिमिनेट कर दो उन ऑप्शंस को जो कि सही नहीं है, यू विल बी एबल टू रीच द राइट आंसर। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप, टाइम अप। ऑफ कोर्स बच्चों यहाँ पर राइट आंसर जो बनता है दैट इज जीन थेरेपी। जीन थेरेपी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप जीन मॉडिफिकेशंस के थ्रू, जीन टारगेटिंग के थ्रू आप एक पर्टिकुलर जीन रिलेटेड डिसऑर्डर को बॉडी में क्योर कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर डिजीज को आप क्योर कर सकते हैं। अगर मैं आपको पर्टिकुलर लाइन दिखाऊं, ये हमारा टॉपिक है जीन थेरेपी का, जिसमें क्लियरली मेंशन है कि अगर एक पर्सन किसी हेरिडिटरी डिजीज के साथ बॉर्न है तो एक बहुत करेक्टिव थेरेपी हम यूज करते हैं दैट इज जीन थेरेपी, राइट। और जीन थेरेपी में आप क्या करेंगे, बहुत सारे मेथड्स यूज करेंगे सो दैट आप एक जीन डिफेक्ट को पहली बात तो डायग्नोस कर सके, आइडेंटिफाई कर सके। और बच्चों जब आप उस जीन को, उस जेनेटिक डिफेक्ट को करेक्ट करेंगे और उसकी डिलीवरी कर देंगे नॉर्मल जीन की एक इंडिविजुअल में, एक एम्ब्रियो में, तो बच्चों इस टेक्निक को, जिससे आप एक पर्टिकुलर डिजीज को क्योर कर पा रहे हैं, उस पर्टिकुलर टेक्निक को हम बोलेंगे जीन थेरेपी। ऑलराइट, जीन थेरेपी। जीन्स आर इंसर्टेड इनटू अ पर्सन सेल एंड टिश्यूज टू ट्रीट अ डिजीज। तो आप एक पर्टिकुलर सेल को टारगेट करेंगे, एक पर्टिकुलर जीन को टारगेट करेंगे और आप मॉडिफाई करेंगे, एम्प्लीफाई करेंगे, इंसर्ट करेंगे, डिलीट करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे जीन को, तो भी हम उसको जीन थेरेपी ही बोलेंगे। ऑलराइट, सबको क्लियर हुआ? तो बहुत इंपॉर्टेंट, देखते हैं इसमें से और कितने सवाल पूछे गए। वैसे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लें। तो ये पूरा चैप्टर जहां पर भी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ एग्रीकल्चर, एप्लीकेशंस ऑफ मेडिसिन मेंशन है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं आपके लिए। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन विद रिगार्ड टू इंसुलिन। इंसुलिन के रिगार्डिंग आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। नीट 2021 का क्वेश्चन है, सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन। क्या सी पेप्टाइड मैच्योर इंसुलिन में प्रेजेंट नहीं होता है? इंसुलिन प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हैज सी पेप्टाइड। प्रो इंसुलिन हैज सी पेप्टाइड। A peptide, B peptide of insulin are interconnected by disulfide bridges। तो आपके सामने चार स्टेटमेंट्स बच्चों गिवन है, आपको सिर्फ करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है। आपको बताना है इनमें से करेक्ट ऑप्शंस कौन से हैं। क्या सेकंड और फोर्थ ऑप्शन सही है? सेकंड और थर्ड, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ। ध्यान से पढ़िए सारे के सारे ऑप्शंस। सी पेप्टाइड प्रेजेंट नहीं होता है मैच्योर इंसुलिन के अंदर, ऑप्शन नंबर ए, स्टेटमेंट नंबर वन। इंसुलिन जो प्रोड्यूस होती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से, उसके अंदर सी पेप्टाइड प्रेजेंट होता है। प्रो इंसुलिन में सी पेप्टाइड होता है। ए और बी पेप्टाइड जो हैं इंसुलिन के, वो इंटरकनेक्टेड होते हैं डाइसल्फाइड ब्रिजेस के थ्रू। राइट ऑप्शन बच्चों, राइट स्टेटमेंट चूज कीजिए। नीट 2021 का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इंसुलिन में से बहुत कॉमनली आपको क्वेश्चन मिलेगा। यस बच्चों, हरी आप सब लोग ध्यान से सोचिए और मुझे आंसर कीजिए। बच्चों लास्ट 20 सेकेंड आपके शुरू होते हैं अब, जल्दी से अपना राइट आंसर लिख दीजिए। यस एवरीवन, सब लोग अपना राइट आंसर जल्दी से मेंशन कीजिए कमेंट बॉक्स में। ए, बी, सी और डी। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप बच्चों, टाइम अप। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर जो राइट आंसर बनता है, अगर मैं देखूं आपकी स्टेटमेंट सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन, ये स्टेटमेंट सही है। जो इंसुलिन प्रोड्यूस होती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू, उसमें सी पेप्टाइड होता है? नहीं बच्चों, मैच्योर इंसुलिन में सी पेप्टाइड नहीं होता है। प्रो इंसुलिन में सी पेप्टाइड होता है, बिल्कुल सही। ए और बी पेप्टाइड जो है इंसुलिन चेन के, वो इंटरकनेक्टेड होते हैं डाइसल्फाइड ब्रिजेस के थ्रू, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो बच्चों आपका जो राइट ऑप्शन यहाँ पर बनेगा दैट इज 1, 3 और 4 स्टेटमेंट सही है, और जो सेकंड स्टेटमेंट है आपकी वो गलत है। ऑलराइट, सबको क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? और मैं आपको बच्चों एनसीईआरटी स्निप भी दिखा देती हूँ, आप क्लियरली पहले तो डायग्राम में ही देख लीजिए कि यहाँ पर प्रो इंसुलिन और इंसुलिन का डायग्राम दिया है, राइट। प्रो इंसुलिन में आप 3 बैंड्स देख सकते हैं, आपके पास ए पेप्टाइड, सी पेप्टाइड और बी पेप्टाइड प्रेजेंट है बच्चों, क्लियरली देख सकते हैं आप डायग्राम में। बट अगर मैं बात करूं मैच्योर इंसुलिन की, राइट, तो मैच्योर इंसुलिन में आपका ए और बी कनेक्टेड हैं डाइसल्फाइड ब्रिजेस के थ्रू। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर छोटे छोटे डाइसल्फाइड ब्रिजेस प्रेजेंट हैं। ऑलराइट, और साथ में आप रिलीज कर रहे हैं फ्री सी पेप्टाइड, फ्री सी पेप्टाइड चेन। ऑलराइट, क्लियर। तो बच्चों यहाँ पर भी अगर हम टेक्स्ट की बात करें, ऑलराइट, टेक्स्ट की बात करें तो प्रो हार्मोन या प्रो इंसुलिन, राइट, प्रो हार्मोन या प्रो इंसुलिन की बात करें बच्चों, कंटेन्स एन एक्स्ट्रा स्ट्रेच ऑफ सी पेप्टाइड। तो इसमें एक्स्ट्रा स्ट्रैंड प्रेजेंट है प्रोटीन का, एक्स्ट्रा स्ट्रेच प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं सी पेप्टाइड। लेकिन आपको ये सी पेप्टाइड नॉट प्रेजेंट मिलेगा इन मैच्योर इंसुलिन। क्यों? क्योंकि जब प्रो इंसुलिन मैच्योर करता है इनटू इंसुलिन तो ये सी पेप्टाइड रिमूव हो जाता है और आपके पास बचते हैं सिर्फ ए और बी पेप्टाइड्स जो कि आपस में कनेक्टेड हैं थ्रू डाइसल्फाइड ब्रिजेस। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। टेक्स्ट में भी आपको बता दिया मैंने कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, और अगर आप डायग्राम पर भी जाएं तो क्लियरली आप इसको समझ सकते हैं। ऑलराइट, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर, Which of the following is not correct? Again NEET 2020 का क्वेश्चन है related to proinsulin and insulin chains. All right, proinsulin has an extra peptide called C peptide. Functional insulin has A and B chains linked together by hydrogen bonds. Genetically engineered insulin जो है वो E. coli में produce होती है. In man, insulin is synthesized as a proinsulin. तो इन चारों में से आप मुझे right, आप मुझे नॉट करेक्ट, रॉन्ग स्टेटमेंट बताएंगे बच्चों, रॉन्ग स्टेटमेंट बताएंगे और राइट आंसर बताएंगे। एक्चुअली नीट 2020 का क्वेश्चन, प्रो इंसुलिन में एक्स्ट्रा पेप्टाइड प्रेजेंट होता है, फंक्शनल इंसुलिन ए और बी चेन्स जो है हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू लिंक्ड हैं, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन हम ई कोलाई में प्रोड्यूस करते हैं, मैन में जो इंसुलिन सिंथेसाइज होती है बच्चों वो नेचुरली प्रो इंसुलिन की फॉर्म में होती है, लेटर ऑन इट इज कन्वर्टेड इनटू इंसुलिन, मैच्योर हार्मोन। तो ध्यान से कंसीडर कीजिए चारों ऑप्शंस को और फिर मुझे बताइए इनमें से नॉट करेक्ट स्टेटमेंट या रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है। आपका आंसर बिल्कुल राइट होना चाहिए। हरी अब बच्चों, 20 सेकंड और दे रही हूं आपको इसका राइट आंसर लिखने के लिए और आपका टाइम शुरू होता है अब। यस बच्चों, जल्दी से बताइए Which of the following statements is not correct related to proinsulin and insulin hormone? Yes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time up बच्चों, time up. तो बच्चों right answer है आपका कि functional insulin जो है उसमें आपको सिर्फ दो ही स्ट्रेचेस मिलेंगे, दो ही पेप्टाइड चेन्स मिलेंगी, दैट इज ए एंड बी, और वो दोनों किससे इंटरकनेक्टेड होंगी? सी चेन से। बच्चों हमने देखा था कि अगर मैं प्रो इंसुलिन हार्मोन की बात करूं तो प्रो इंसुलिन में आपको मिलते हैं 3 स्ट्रैंड्स, ए, सी और बी। ऑलराइट, ए, सी और बी। बट बच्चों अगर मैं इंसुलिन चेन की मैच्योर हार्मोन की बात करूं तो इसमें आपको सिर्फ ए और बी स्ट्रेचेस मिलेंगे जो कि आपस में लिंक्ड हैं डाइसल्फाइड ब्रिजेस के थ्रू, डाइसल्फाइड ब्रिजेस के थ्रू, ए और बी। बच्चों इसमें से हम एलिमिनेट कर देंगे सी चेन को, और क्लियरली मेंशन है कि डाइसल्फाइड ब्रिजेस ही यूज होते हैं बेसिकली आपकी दोनों स्ट्रेचेस को ज्वाइन करने के लिए। तो यहाँ पर क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड्स गिवन है तो ये आपका ऑप्शन गलत है। ऑलराइट, क्लियर। मैं आपको दिखा देती हूँ एनसीईआरटी स्निप में भी कि कहाँ पर आपके पास ये लाइन मेंशन है एनसीईआरटी बुक में बच्चों। इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन्स, चेन ए एंड चेन बी, लिंक टुगेदर बाय डाइसल्फाइड ब्रिजेस, लिंक टुगेदर बाय डाइसल्फाइड ब्रिजेस, मतलब कोई हाइड्रोजन बॉन्ड्स यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। ऑलराइट, क्लियर सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बच्चों, इन इंडिया the organization responsible for assessing the safety of introducing genetically modified organisms for public uses, इंडिया में ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो असेस करती है सेफ्टी को कि हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को यूज कर सकते हैं पब्लिकली या नहीं, या उनसे प्रोड्यूस जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेफ हैं कि नहीं पब्लिक के लिए। और जो क्वेश्चन है नीट 2018 का, क्या ये रिसर्च कमिटी है ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन जिसको हम बोलते हैं आरसीजीएम, क्या ये काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है सीएसआईआर, क्या ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है आईसीएमआर, या फिर ये जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी है। यस बच्चों, इनफैक्ट आप इसको यहाँ पर अप्रूवल कंसीडर कीजिए, अप्रूवल कंसीडर कीजिए, ऑलराइट। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी भी हो सकता है, ऑलराइट। आपकी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, तो आपके सामने आंसर भी बहुत ऑब्वियस है बच्चों। आप स्टेटमेंट पढ़िए और आपसे क्या पूछा गया उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शंस को देखिए। लास्ट 20 सेकेंड, जल्दी से अपना राइट आंसर दीजिए। हरी अब बच्चों, सब लोग अपना आंसर देंगे क्विकली। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं तो समझ लेना कि लॉटरी लग गई है, बिकॉज बहुत इजी है। सिर्फ रिवाइज करना है, नॉलेज चाहिए थोड़ी सी, और आप इजीली क्रैक कर सकते हैं अपना नीट एग्जाम विद गुड स्कोर। यस बच्चों, टाइम अप। तो जैसा मैंने आपको हिंट दिया था कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी GEAC आपकी एनसीईआरटी बुक का स्निप दिखाती हूँ बच्चों। जैसे मैंने कहा था, इंडियन गवर्नमेंट हैज सेट अप ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस है, जिसमें से एक ऑर्गेनाइजेशन है GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, जो कि डिसीजंस लेती है जेनेटिक मॉडिफिकेशन रिसर्च से रिलेटेड कि क्या हम इन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं पब्लिक सर्विसेज में या नहीं। ऑलराइट, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी की बात हो रही है, जो कि सेफ्टी असेसमेंट करती है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का कि आप उनको फाइनली पब्लिक यूज में ला सकते हैं या नहीं। तो इसका भी एक प्रोटोकॉल, एक प्रोसीजर होता है बच्चों, और ये सब हाथ में है एक कमिटी के, दैट इज GEAC। आई होप आपको क्लियर हुआ है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पॉलीपेप्टाइड्स ऑफ ह्यूमन इंसुलिन आर लिंक्ड बाय। बच्चों फिर से वही सवाल, लेकिन क्वेश्चन फ्रेमिंग में डिफरेंस देखो। नीट 2016 का क्वेश्चन है, क्या ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स के थ्रू जुड़े हुए हैं, 2 पेप्टाइड्स इन अ ह्यूमन इंसुलिन, क्या ये कोवेलेंट बॉन्ड्स के थ्रू जुड़े हुए हैं, डाइसल्फाइड ब्रिजेस के थ्रू या हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू। 4 ऑप्शंस आपके सामने, 2 polypeptides of human insulin are linked together by phosphodiester bond, covalent bond, disulfide bond और hydrogen bond। Yes बच्चों, नीट 2016 का क्वेश्चन बहुत इजी, बहुत बारी रिपीट हो चुका है, 3 बारी हमें क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, और फिर से आपके सामने स्क्रीन पर लास्ट 20 सेकेंड आपके पास। हरी अब जल्दी से आंसर करेंगे सब बच्चों। इस आंसर को सब बच्चों को कमेंट बॉक्स में लिखना है, बहुत इजी है, बहुत बारी रिपीट हो चुका है, आज ही के सेशन में बहुत बार रिपीट हो चुका है, डिफरेंट मैनर में। ऑलराइट, 4, 3, 2, 1, टाइम अप बच्चों। ऑफ कोर्स मैंने अभी आपको बताया था कि मैच्योर इंसुलिन में A और B स्ट्रेचेस जो हैं पॉलीपेप्टाइड के, दे विल बी लिंक्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड ब्रिजेस। ऑलराइट, डाइसल्फाइड ब्रिजेस के थ्रू ये आपस में लिंक्ड है, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C। ऑलराइट, अगेन एनसीईआरटी स्टेप में मैं आपके लिए हाईलाइट कर देती हूँ। इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन्स, चेन A, चेन B, लिंक टुगेदर बाय डाइसल्फाइड ब्रिजेस। ऑलराइट, आपको बच्चों बहुत सुपर क्लियर हो जाना चाहिए विद एनसीईआरटी स्निप्स इटसेल्फ कि बुक में मेंशन है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, आपको उसको साथ के साथ अंडरलाइन कर लेना चाहिए, हाईलाइट कर लेना चाहिए, स्टार मार्क करके रखना चाहिए उस पर्टिकुलर लाइन को। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच काइंड ऑफ थेरेपी वाज गिवन इन 1990। 1990 में एक जीन थेरेपी दी गई थी बच्चों, 4 साल की बच्ची को, 4-year-old गर्ल विद एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी। उस बच्ची को एक डेफिशिएंसी थी एक पर्टिकुलर एंजाइम सिंथेसिस में, जिसका नाम है एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम। ऑलराइट, तो हमने उसको कैसे करेक्ट किया था, कौन सी थेरेपी के थ्रू, जीन थेरेपी, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी। लेट मी नो द राइट आंसर, बहुत इजी, इससे इजी सवाल कुछ हो नहीं सकता है। नीट 2016 का क्वेश्चन है, जिस बच्चे ने ध्यान से चैप्टर को पढ़ा होगा वो झट से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देगा, दैट इज इट जीन थेरेपी, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी। यस बच्चों, जल्दी से आपका टाइमर शुरू करने वाली हूँ मैं फॉर राइटिंग द आंसर इन दी कमेंट बॉक्स। ध्यान से पढ़ो, ADA डेफिशिएंसी की बात हो रही है, 1990 का केस है, 4 साल की बच्ची को ये ट्रीटमेंट दिया गया था जीन करेक्शन करने के लिए। तो लास्ट 20 सेकंड शुरू होते हैं आपके अब, जल्दी से लिख डालिए अपना आंसर कमेंट बॉक्स में। हरी अब बच्चों, यस जल्दी से बच्चों, सब लोग अपना आंसर लिख दें। लास्ट 10 सेकेंड्स, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम अप बच्चों, टाइम अप। ऑफ कोर्स आपका राइट आंसर है जीन थेरेपी, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की थी कि एक पर्टिकुलर जीन को आप टारगेट करेंगे जिसकी वजह से बॉडी में कोई डिजीज या डिफेक्ट है, डिसऑर्डर है, राइट, हेरिडिटरी डिजीज है, और आप उस जीन को करेक्ट कर सकते हैं बच्चों बाय अ थेरेपी नोन एज जीन थेरेपी। पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी थी वो 1990 में एक 4 साल की बच्ची को दी गई थी जिसको एक प्रॉब्लम थी रिलेटेड टू एडीए डेफिशिएंसी। एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जिस ह्यूमन में ये एडीए की डेफिशिएंसी होगी उसका मेटाबॉलिज्म करेक्टली नहीं हो पाएगा। तो बच्चों दिस इज कॉज ड्यू टू डिलीशन ऑफ द जीन एडिनोसिन डीएमिनेज। तो हम जिन बच्चों में ये डेफिशिएंसी होती है उसको क्योर कर सकते हैं या तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू, बट बच्चों ये परमानेंट क्योर नहीं है, इसीलिए हम क्या करते हैं फंक्शनल जीन को इंसर्ट करते हैं पेशेंट के लिम्फोसाइट्स के अंदर और लिम्फोसाइट्स को हम वापस रिटर्न कर देते हैं टू द पेशेंट, क्योंकि ये सेल्स इमॉर्टल नहीं है, दे आर नॉट इमॉर्टल। तो कभी कभी हमें पीरियोडिक इन्फ्यूजन मतलब बार बार उन सेल्स को विद द करेक्ट जीन इंसर्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। बट बच्चों अगर हम ये जीन थेरेपी बहुत छोटी स्टेजेस एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में ही कैरी आउट कर दे या बहुत स्मॉल एज ऑफ ह्यूमन में ही कैरी आउट कर दे तो ये थेरेपी बहुत पॉसिबल और ईजी है। ऑलराइट, क्लियर। नेक्स्ट बच्चों, द फर्स्ट हॉर्मोन प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज, पहला ऐसा हार्मोन जो हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू तैयार किया है वो कौन सा है? इंसुलिन, एस्ट्रोजन, थायरोक्सिन, प्रोजेस्टेरॉन। बहुत इजी सवाल, बहुत बारी कर चुके हैं हम, बहुत डिटेल में कर चुके हैं एक्चुअल में ये सवाल। AIPMT 2014 का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ऐसा पहला हार्मोन है जो हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू तैयार किया है। इज इट इंसुलिन, एस्ट्रोजन, थायरोक्सिन, प्रोजेस्टेरॉन? 20 सेकेंड और बच्चों, जल्दी से अपना आंसर लिख दीजिए, जल्दी से अपना राइट आंसर लिखिए बच्चों। यस, बहुत इजी, वेरी इजी फॉर यू टू परफॉर्म। 10, 9 बच्चों, बहुत इजी चैप्टर है। अगर आप ध्यान से इसकी रीडिंग ले लें, ध्यान से रिवाइज करें और ध्यान से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें जैसे कि हम इस सेशन में कर रहे हैं, ऑलराइट, तो बहुत इजी होने वाला है। इस चैप्टर में आपके फुल ऑन फुल मार्क्स पक्के हैं और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 3 से 4 क्वेश्चन इस चैप्टर में से अलोन, ऑलराइट, यूनिट की बात नहीं कर रही हूँ, यूनिट में से 8 या 9 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज पूछे जाते हैं, तो इस चैप्टर में से एक्सपेक्टेशन है 3 या 4 क्वेश्चन, 3 या 4 क्वेश्चन के आने के चांसेस हैं। तो बच्चों राइट आंसर इज इंसुलिन। जैसा हमने बात किया था कि इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो आपने ई कोलाई के अंदर एक बैक्टीरियल सेल के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू प्रोड्यूस कराया। ऑलराइट, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगेन इंसुलिन से रिलेटेड। ह्यूमन इंसुलिन इज बीइंग कमर्शियली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ ट्रांसजेनिक स्पीशीज ऑफ, तो कौन सी ट्रांसजेनिक स्पीशीज से हम ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहे हैं बच्चों कमर्शियली? राइजोबियम, सैकरोमाइसिस, एस्केरिशिया और माइकोबैक्टीरियम। AIPMT 2008 का क्वेश्चन है, कौन सा ऑर्गेनिज्म इन चारों में से यूज किया जा रहा है इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री फॉर प्रोड्यूसिंग ह्यूमन इंसुलिन? कौन सी ट्रांसजेनिक स्पीशीज को आप यूज में ले रहे हैं? राइजोबियम, सैकरोमाइसिस, एस्केरिशिया कोलाई और माइकोबैक्टीरियम। यस बच्चों, हरी अप, 20 सेकेंड और, जल्दी से अपना राइट आंसर लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बारी रिपीट हो चुका है। यस बच्चों, हरी अप, लास्ट 10 सेकेंड आपके पास। राइजोबियम, सैकरोमाइसिस, एस्केरिशिया, माइकोबैक्टीरियम। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप बच्चों, टाइम अप। तो ऑफ कोर्स अभी हमने बात किया था कि एस्केरिशिया कोलाई एक बैक्टीरिया के अंदर हम एक ह्यूमन हार्मोन को, ह्यूमन प्रोटीन को प्रोड्यूस कर पाए हैं, एंड दिस इज ऑल्सो मेंशन इन योर NCERT बुक। ध्यान से एक एक लाइन पढ़ेंगे तो आपके सामने सारे आंसर्स हैं बच्चों। दैट चेन्स A एंड B वर प्रोड्यूस सेपरेटली इन E कोलाई, ऑलराइट। तो बहुत क्लियर मेंशन, DNA सीक्वेंसेस जो है कॉरेस्पॉन्डिंग टू A एंड D, कॉम्प्लीमेंट्री DNAs हमने किसके अंदर इंट्रोड्यूस कराए थे? इन दी प्लाज्मिड्स ऑफ E कोलाई बैक्टीरिया। E कोलाई इज एस्केरिशिया कोलाई, ऑलराइट, क्लियर हुआ सबको? तो वही पैराग्राफ है बट बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इसमें से, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन प्रोटीन। हम एक ह्यूमन प्रोटीन को बैक्टीरिया में प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये कैसे पॉसिबल है बच्चों? आप ह्यूमन प्रोटीन बैक्टीरिया में कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं? क्या रीजन है उसके पीछे? बैक्टीरियल सेल कैन कैरी आउट आरएनए स्प्लाइसिंग रिएक्शन, क्योंकि बैक्टीरिया का सेल आरएनए स्प्लाइसिंग कर सकता है, इसलिए ह्यूमन क्रोमोसोम रेप्लिकेट कर सकता है बैक्टीरिया के सेल के अंदर। या सी ऑप्शन, मैकेनिज्म ऑफ जीन रेगुलेशन इज आइडेंटिकल इन ह्यूमंस एंड बैक्टीरिया। क्या हम में, ह्यूमंस में और बैक्टीरिया में जो जीन रेगुलेशन चलता है वो एग्जैक्टली सेम है, और द जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। कैसे आप एक बैक्टीरियल सेल के अंदर ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, ह्यूमन का प्रोटीन प्रोड्यूस कर पा रहे हैं? बहुत इजी, बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन। मैंने मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में भी आपसे क्वेश्चन डिस्कस किया था बच्चों। AIPMT 2005 का क्वेश्चन है, जल्दी से सोच के अपना राइट आंसर लिखिए। मैं फिर भी आपको 10 सेकेंड एक्स्ट्रा दे रही हूँ इस क्वेश्चन में, और फिर मैं आपका टाइमर शुरू करूंगी फॉर 20 सेकेंड्स। जल्दी से सोच लीजिए व्हाट इज द राइट आंसर। एक हिंट मैंने आपको दे दिया है कि मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से रिलेटेड और इस चैप्टर से भी पर्टिकुलरली रिलेटेड है ये क्वेश्चन। यस बच्चों, तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ओके बच्चों, आई होप आपको राइट आंसर मिल गया है चारों ऑप्शंस में से। लास्ट 20 सेकेंड आपके शुरू होते हैं, अब जल्दी से लिख डालिए अपना राइट आंसर इन दी कॉमेंट बॉक्स। बैक्टीरियल सेल आरएनए स्प्लाइसिंग करता है, ह्यूमन क्रोमोसोम रेप्लिकेट कर सकते हैं बैक्टीरियल सेल में, जीन रेगुलेशन ह्यूमन और बैक्टीरिया का सेम है, आइडेंटिकल है, या जेनेटिक कोड यूनिवर्सल है। 3, 2, 1 टाइम अप टाइम। तो बच्चों राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ऑफ कोर्स आप जानते हैं जेनेटिक कोड, सेम तरह के कोडोन्स कोड करते हैं सेम तरह के अमीनो एसिड्स के लिए, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो प्लांट हो, फंगस हो, एनिमल हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, एक्सेप्ट 1 और 2 ऑर्गेनिजम्स को छोड़कर, माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स को छोड़कर, प्रोटोजोन्स को छोड़कर बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स में सेम तरह के कोड्स जो हैं वो सेम तरह के अमीनो एसिड्स के लिए कोड करते हैं। इसीलिए पॉसिबल है कि आप ह्यूमंस का प्रोटीन, ह्यूमंस का हार्मोन सिंथेसाइज कर सकते हैं बैक्टीरियल सेल में। ऑलराइट, आई होप सबको क्लियर हुआ। ये क्वेश्चन रिलेटेड है मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर से भी, अंडर द टॉपिक जेनेटिक कोड भी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ऑलराइट, जिन बच्चों ने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है वो जल्दी से पढ़ लें, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जेनेटिक कोड ऑलरेडी हम इस पर सवाल सॉल्व कर सकते हैं। जिन्होंने सेशन नहीं देखा वो गो बैक बच्चों, देखो ध्यान से सेशन, उसमें हमने क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। ये AIPMT 2005 का क्वेश्चन है, कॉमन है फॉर मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। ऑलराइट, क्लियर? जेनेटिक डिफेक्ट एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी में भी परमानेंटली क्योर्ड बाय, अगर किसी ऑर्गेनिज्म में, किसी ह्यूमन में एक जेनेटिक डिफेक्ट है कि एक जीन, एक पर्टिकुलर एंजाइम एडीए डीएमिनेज बॉडी में नहीं सिंथेसाइज हुआ है, तो आप इस डिफेक्ट को, इस डेफिशिएंसी को कैसे परमानेंटली क्योर कर सकते हैं? AIPMT 2009 का क्वेश्चन है। क्या आपको बार बार पीरियोडिक इन्फ्यूजन करना होगा जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स का, जिसके अंदर एडीए का कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंस प्रेजेंट है, या आपको एडमिनिस्टर करना होगा एंजाइम एक्टिवेटर्स को, एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम के एक्टिवेटर्स को आपको बार बार एडमिनिस्टर करना होगा, इन्फ्यूज करना होगा? इंट्रोड्यूसिंग बोन मैरो सेल्स प्रोड्यूसिंग एडीए इनटू सेल्स एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस, क्या आपको बोन मैरो सेल्स बार बार इन्फ्यूज करने पड़ेंगे अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस पे, या आपको एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी करनी पड़ेगी? यस बच्चों, व्हाट इज द राइट ऑप्शन? जेनेटिक डिफेक्ट एडीए की डेफिशिएंसी को आप कैसे क्योर करेंगे? तो बच्चों आपका 20 सेकंड्स का टाइम शुरू होता है अब, जल्दी से सोचिए और अपना राइट आंसर लिखिए कमेंट बॉक्स में। हरी आप जल्दी से बताइए व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस। कैसे आप एडीए की डेफिशिएंसी को क्योर कर सकते हैं परमानेंटली? तो यहां पर नोट कीजिए, फ्रेज दिया हुआ है परमानेंटली। ऑलराइट, टाइम अप बच्चों, टाइम अप। जैसा हमने बात किया था, ऑलराइट, सो जैसे हमने बात की थी एडीए डेफिशिएंसी के बारे में बच्चों, योर पीरियोडिक इन्फ्यूजन, मतलब बार बार आपको जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स हैं उनको यूज करना पड़ेगा, जिनके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंस प्रेजेंट है। मैंने आपको एनसीईआरटी स्निप भी दिखाया था बच्चों, फिर से दिखा देती हूँ कि लिम्फोसाइट्स के बारे में। ऑलराइट, उन्होंने कहा था कि अगर आप एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी करेंगे, ऑलराइट, तो और या फिर बोन मैरो सेल्स को बार बार इन्फ्यूज करेंगे, दैट इज नॉट अ परमानेंट मेजर। तो उसके लिए आपको क्या करना है, लिम्फोसाइट्स लेने हैं पेशेंट के ब्लड से, उसमें एक फंक्शनल ADA, CDNA कॉम्प्लीमेंट्री DNA डालना है, ऑलराइट, और फिर उसको रिटर्न कर देना है पेशेंट को, क्योंकि ये सेल्स इमॉर्टल नहीं है तो पीरियोडिक इन्फ्यूजन रिक्वायर्ड होगा। बार बार आपको इन सेल्स को फिर से इंसर्ट करना पड़ेगा पेशेंट के अंदर। ऑलराइट, क्लियर, सबको क्लियर हुआ? पहले भी हमने ये सॉल्व किया है क्वेश्चन रिलेटेड टू ADA डेफिशिएंसी एंड जीन थेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉज एंड रूल्स। ऐसे कौन से लॉज और रूल्स हैं जो आपको प्रिवेंट करते हैं अनऑथराइज एक्सप्लॉयटेशन से बायो रिसोर्सेज की? अगर आप बायो रिसोर्सेज को अनएथिकली यूज कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो उसको सेव करने के लिए कौन से लॉज और रूल्स हैं जो आपको प्रिवेंट कर रहे हैं? बच्चों नीट 2020 का क्वेश्चन है, जल्दी से अपना राइट आंसर लिखिए। वेरी इजी, चार ऑप्शंस हैं आपके सामने, बायो पेटेंटिंग, बायो एथिक्स, बायो इंजीनियरिंग और बायो पायरेसी। विच लॉज एंड रूल्स प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बायो रिसोर्सेज? व्हाट इज इट कॉल्ड? लास्ट 20 सेकेंड, हरी अप बच्चों, राइट आंसर लिखिए अपना। चारों टर्म्स बहुत ही इंटरकनेक्टेड हैं, बायो पेटेंटिंग, बायो एथिक्स, बट जो आपको प्रिवेंट करे, और इन जनरल भी हम ये टर्म यूज करते हैं, तो ध्यान से सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप बच्चों। तो ऑफ कोर्स योर राइट आंसर वुड बी बायो एथिक्स। हमारे एथिक्स ही होते हैं जो हमें प्रिवेंट करते हैं फॉर डूइंग सम इलीगल वर्क। ऑलराइट, तो इलीगैलिटीज से बचने के लिए, लॉज और रूल्स को ब्रेक करने के लिए, जो लॉज और जो लीगैलिटीज हैं उनसे बचने के लिए लॉज और रूल्स जो हम फॉलो करते हैं उनको बोलते हैं हम एथिक्स। और क्योंकि यहाँ पर बायोलॉजी रिलेटेड एप्लीकेशंस की या ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है तो इट इज नोन एज बायो एथिक्स। ऑलराइट, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड अगेन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बायो रिसोर्सेज। अगर आप बायो रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं एक नेशन के बाय मल्टीनेशनल कंपनीज, राइट, मल्टीनेशनल कंपनीज जो है एक नेशन के बायो रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रही हैं विदाउट ऑथराइजेशन फ्रॉम कंसर्न कंट्री, उस पर्टिकुलर कंट्री की परमिशन लिए बगैर, तो बच्चों ये क्या कहलाता है? इज इट कॉल्ड बायो वेपन, बायो पायरेसी, बायो एथिक्स और बायो वॉर। नीट 2019 का क्वेश्चन है, तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बट फिर भी इसमें से एक या दो सवाल पूछे गए हैं रिसेंट ईयर्स में। बायो रिसोर्सेज आप एक नेशन के एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, समटाइम्स इट इज बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय MNC, समटाइम्स बाय द नेशन इटसेल्फ। तो बच्चों यहाँ पर क्या प्रोसेस हो रहा है, एक्चुअली क्या एक्टिविटी हो रही है? इज इट कॉल्ड बायो वेपन, बायो पायरेसी, बायो एथिक्स, बायो वॉर? लास्ट 20 सेकेंड, हरी अब अपना आंसर लिखिए कॉमेंट सेक्शन में। हरी अब बच्चों, जल्दी से राइट आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन। लास्ट 10 सेकेंड आपके पास, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ऑलराइट, टाइम अप, टाइम अप। ऑफ कोर्स बच्चों, जब आप इलीगली किसी नेशन की बायो रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन, विदाउट टेकिंग कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, तो बच्चों उस केस को हम कहते हैं बायो पायरेसी, बायो थेफ्ट। ऑलराइट, थेफ्ट कोई टर्म नहीं है, पायरेसी प्रॉपर टर्म है। मैं आपको NCERT बुक में भी दिखा देती हूँ बच्चों डेफिनेशन। बायो पायरेसी इज द टर्म यूज्ड फॉर द यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस विदाउट proper authorization from the countries and people concerned without compensatory payment। तो बच्चों अगर किसी के पास copyrights हैं किसी बायो रिसोर्स के, तो आपको उनसे परमिशन लेनी होगी, आपको उनको इनकैश करना होगा, तभी आप यूज कर सकते हैं लीगली उस बायो रिसोर्स को। अदरवाइज बच्चों दिस इज कॉल्ड थेफ्ट और उसको हम टेक्निकली बोलते हैं बायो पायरेसी। ऑलराइट, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, न्यू वेराइटी ऑफ राइस, एक नई वेराइटी है राइस की जो कि पेटेंट की गई थी एक फॉरेन कंपनी के थ्रू। दो सच वैरायटीज हैव बीन प्रेजेंट इन इंडिया। दो इसका पेटेंट किसी फॉरेन कंट्री ने ले लिया था, बट बच्चों इसके एक्चुअली वैरायटीज ये नेटिव थी इंडिया की, बहुत लंबे टाइम से इंडिया में ग्रो करी जा रही थी। दिस इज रिलेटेड टू, ये कौन सी क्रॉप की बात हो रही है यहाँ पे? इज इट लर्मा रोजो, शरबती सोनोरा, को 667 और इज इट बासमती? इन चारों में से कौन सी ऐसी वैरायटी है राइस की जो कि पेटेंट करवा ली गई किसी फॉरेन कंपनी के थ्रू? ऑलराइट, लेकिन इस वैरायटी के जो पेटेंट्स की जो एक्चुअली एविडेंसेस हैं फॉर लॉन्ग यूज, दे आर प्रेजेंट इन इंडिया। तो ये कौन सी वैरायटी की बात हो रही है? जल्दी से अपना राइट आंसर लिख के कॉमेंट सेक्शन में। 20 सेकंड का टाइम शुरू होता है आपका अब। यस बच्चों, हरी अप, लेट मी नो द राइट आंसर। सब बच्चे जल्दी से अपना राइट आंसर लिखिए कमेंट सेक्शन में। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। टाइम अब बच्चों, टाइम। ऑफ कोर्स यहाँ पर बात हो रही है बासमती वैरायटी की। बच्चों बासमती राइस की वैरायटीज बहुत पुरानी है। हमारे एविडेंसेस जो है, हमारी जो पोएट्री है, हमारे जो टेक्स्ट हैं, हमारे जो फोकलोर्स हैं, वो भी बात करते हैं बासमती राइस हम बहुत पुराने टाइम से, एंशियंट टाइम से ग्रो करते आ रहे हैं। तो दिस इज विद रेफरेंस टू बासमती इन एंशियंट टेक्स्ट, फोकलोर एंड पोएट्री दैट वी हैव बीन ग्रोइंग इट फॉर सेंचुरीज। लेकिन 1997 ने एक फॉरेन कंट्री जो कि एक अमेरिकन कंपनी थी, इसके पेटेंट राइट्स ले लिए थ्रू यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस, और इसकी वजह से ये जो बेसिक वैरायटी थी इंडिया की वो एक्चुअली पेटेंट करवा ली गई है एक फॉरेन कंट्री के द्वारा। सो बेसिकली अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, विजिलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी बचा सकते हैं हम अपनी ट्रेडिशनल रिसोर्सेज को, बायो रिसोर्सेज को। बिकॉज हम जानते हैं बच्चों इंडिया ट्रेडिशनली एक बहुत ही रिच कंट्री है, तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो हमसे पहले हमारे बायो रिसोर्सेज का पेटेंट ना ले ले। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस एग्जाम्पल से सीखें ऑफ बासमती राइस, जो कि हमारी खुद की वैरायटी थी बट इसको हिब्रिडाइज करा के एक नया नॉवेल टाइप ऑफ वैरायटी साबित कर दिया गया बाय द फॉरेन कंट्री अमेरिका। ऑलराइट, क्लियर हुआ सबको? तो ये पर्टिकुलर एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी बुक में मेंशन है। सब लोग इसको बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंस दें, क्योंकि बहुत बड़ा पैराग्राफ है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ऑलराइट, क्लियर टू यू? नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन बच्चों, यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज by multinational companies and organizations without proper authorization from concerned country and its people is called what? फिर से वही क्वेश्चन बच्चों, नीट 2018 में फिर से पूछा गया क्वेश्चन है। Is it called biodegradation, biopiracy, bioinfringement, bioexploitation? तो ऑप्शंस चेंज हो गए हैं, ईयर चेंज हो गया है, डेफिनेशन सेम है और इसका राइट आंसर भी सेम है बच्चों। बहुत ईजी है, इसलिए 20 सेकेंड आपके शुरू करती हूँ मैं। आप ऑलरेडी हम एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। हरी अब बच्चों, जल्दी से अपना राइट आंसर बता दीजिए। लास्ट 10 सेकेंड आपके पास। राइट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। हाँ जी, यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस विदाउट ऑथराइजेशन फ्रॉम कंसर्न्ड कंट्री एंड इट्स पीपल। टाइम अब बच्चों, टाइम। तो ऑफकोर्स हमने बात की थी बायो पायरेसी की, इलीगल यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय एमएनसीज and other organizations without taking proper copyrights, without taking proper permissions, alright? कभी भी ऐसे हम बायो रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, इसके लिए रूल्स बन गए हैं। alright, they are known as bioethics and ऐसे illegally एक्सप्लॉइट करना कहलाता है बायो पायरेसी। अगेन सेम स्नेप बच्चों, ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ मैं आपको। बायो पायरेसी एक ऐसी टर्म है जो आप यूज कर रहे हैं एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बायो रिसोर्सेज के लिए बाय एमएनसी अदर ऑर्गेनाइजेशंस विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन। क्लियर टू यू? एनसीईआरटी बुक की लाइंस हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स इज ऑफ। अगेन बच्चों आपकी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो हैं वो कौन से ऑर्गेनिज्म के हैं? इज इट फिश, माइस, काउ और पिग? AIPMT 2011 का क्वेश्चन है, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी बुक में लाइन है, मैं अभी आपको दिखाऊंगी, बट पहले आप मुझे आंसर में बताइए। इज इट फिश, माइस, काउ और पिग? 20 सेकंड शुरू होते हैं आपके अब। जल्दी से बताइए कि एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो हैं उनमें से सबसे ज्यादा आपने कौन से ट्रांसजेनिक एनिमल्स प्रोड्यूस किए हैं? फिश के, माइस के, काउ के, पिग के? यस, 7 6 5 4 3 2 1। टाइम अप बच्चों। ऑफ कोर्स राइट आंसर इज माइस। बच्चों आज के टाइम पर ट्रांसजेनिक माइस को सबसे मैक्सिमम यूज किया जा रहा है फॉर केमिकल टेस्टिंग, सेफ्टी टेस्टिंग, वैक्सीन टेस्टिंग। और मैं आपको एक लाइन दिखाती हूँ एनसीईआरटी बुक की जहां पर आपका आंसर मेंशन्ड है दैट ट्रांसजेनिक रैट्स, रैबिट्स, पिग्स, शीप, काउज एंड फिश हैव बीन प्रोड्यूस्ड। हालांकि हमने इन सारे एनिमल्स को ट्रांसजेनिक बना लिया है, लेकिन सबसे ज्यादा 95% ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर माइस। 95% से भी ज्यादा जिन एनिमल्स को आपने ट्रांसजेनिक बनाया है उस कैटेगरी में फॉल करते हैं माइस, और आज के टाइम पर सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स इसी ट्रांसजेनिक एनिमल पर किए जा रहे हैं. ऑलराइट, सो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी, वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन. ऑलराइट, नेक्स्ट बच्चों, जेनेटिक इंजीनियरिंग, AIPMT 2010 का क्वेश्चन है. जेनेटिक इंजीनियरिंग हैज बीन सक्सेसफुली यूज फॉर प्रोड्यूसिंग. हमने क्या प्रोड्यूस करने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग को बहुत अच्छे से यूज किया है. ट्रांसजेनिक माइस फॉर टेस्टिंग सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन बिफोर यूज इन ह्यूमंस. ट्रांसजेनिक मॉडल्स फॉर स्टडिंग न्यू ट्रीटमेंट फॉर सर्टेन कार्डियक डिजीजेस. ट्रांसजेनिक काउ रोजी दैट प्रोड्यूसेस हाई फैट मिल्क फॉर मेकिंग घी. एनिमल्स लाइक बुल्स फॉर फार्म वर्क एज दे हैव सुपर पावर. तो हमने कौन से ऑर्गेनिजम्स को किस तरह की प्रोडक्शन करने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक को सक्सेसफुली यूज किया है. बहुत पुराना क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑप्शंस बहुत लंबे हैं, बट बच्चों आंसर बहुत इजी है. आपके मन में अगर क्लैरिटी होगी कॉन्सेप्ट की तो आपको इजीली आंसर आता होगा. और मैं आपके 20 सेकंड का टाइमर शुरू करती हूँ. आप जल्दी से बताइए, लास्ट 20 सेकेंड्स. राइट आंसर लिख के अपना कॉमेंट बॉक्स में A, B, C और D. यस बच्चों, किस तरह के ऑर्गेनिज्म को किस पर्पस के लिए आपने प्रोड्यूस किया है जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक के थ्रू. 4, 3, 2, 1, टाइम अप. टाइम ऑफ कोर्स बच्चों, अभी हमने बात की थी कि हमने ट्रांसजेनिक माइस को सेफ्टी टेस्टिंग के लिए स्पेशली कौन सी वैक्सीन की बात की है. यहाँ पे पोलियो वैक्सीन की, जो कि हम ह्यूमंस में यूज करते. उससे पहले हमने ट्रांसजेनिक माइस में इसको अप्लाई करके देखा है. बच्चों मैं आपको लाइन दिखाती हूँ स्पेसिफिक. ट्रांसजेनिक mice are being used to test the safety of the polio vaccine. If successful and found to be reliable, they could replace the use of monkeys. तो बच्चों अगर हम उनकी ट्रांसजेनिक mice में इसको सक्सेसफुली यूज कर पाए तो धीरे धीरे हम ट्रांसजेनिक monkeys के यूज को रिप्लेस कर सकते हैं, बिकॉज monkeys की पॉपुलेशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है. माइस को हम आर्टिफिशियली ऑलरेडी ग्रो करा चुके हैं लेबोरेटरीज में, तो ये बहुत ईजी है, बहुत सेफ है. ऑलराइट, तो transgenic mice are being developed for use in testing the safety of vaccines, उससे पहले कि हम उसको humans पर use कर सकें. Alright, next question, improved variety of transgenic basmati rice. AIPMT 2010 का question है. Does not require fertilizers and growth hormones. Gives high yield, rich in vitamin A. Is completely resistant to all pests and diseases of paddy. Paddy means rice. Gives high yield but has no characteristics of aroma. तो बच्चों आपने एक ट्रांसजेनिक बासमती की वैरायटी तैयार की है, उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे आपको, क्या क्या फीचर्स मिलेंगे. नीट 2010 का क्वेश्चन है. क्या इसमें केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने की जरूरत नहीं है, ग्रोथ हार्मोन यूज करने की जरूरत नहीं है, हाई यील्ड देंगे जो कि विटामिन ए में एनरिच्ड होगी, रेजिस्टेंट होगी ऑल इंसेक्ट पेस्ट को, ऑल डिजीजेस ऑफ पैडी को, हाई यील्ड देंगे, लेकिन इनमें कोई भी अरोमा मींस स्मेल, फ्रेग्रेंस प्रोड्यूस नहीं होगी, गुड फ्रेग्रेंस. ऑलराइट, सो 20 सेकंड्स फ्रॉम नाउ जल्दी से अपना आंसर लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में. हरी अब बच्चों, जल्दी से लेट मी नो द राइट आंसर. बहुत इजी चैप्टर कर रहे हैं हम, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, बट आंसर तभी आएगा बच्चों जब रिविजन अच्छा होगा. 4, 3, 2, 1 टाइम अप बच्चों, टाइम अप. तो ऑफ कोर्स यहाँ पर राइट आंसर है, आपने बासमती की इंप्रूव्ड वैरायटी बनाई है बच्चों फॉर गिविंग हाई. ऑलराइट, और आप इसको न्यूट्रिशनली भी इन्हांस करना चाहते हैं थ्रू एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसजेनिक जीन्स. आप इसमें कुछ जीन ट्रांसफर करके विटामिन ए एनरिच्ड राइस वैरायटी प्रोड्यूस करना चाहते हैं. ऑलराइट, क्लियर टू यू. नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसजेनिक प्लांट्स आर दी वंस. AIPMT 2009 का क्वेश्चन है. ट्रांसजेनिक प्लांट्स कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं. जनरेटेड बाय प्रोड्यूसिंग फॉरेन DNA into a cell and regenerating a plant from that cell. Produced after protoplast fusion in artificial medium. Grown in artificial medium after hybridization in the field. Produced by somatic embryo in artificial medium. Yes बच्चों, चारों में से राइट ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए. अब बहुत बारी हम बात कर चुके हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की, तो आप बताइए हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको कैसे प्रोड्यूस करते हैं और उनका पर्पस क्या है. यस, 20 सेकेंड्स फ्रॉम नाउ जल्दी से अपना राइट आंसर लिखिए. कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स, लेट मी नो. जीन से रिलेटेड बात हो रही है बच्चों, और कोई मीडियम यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है. हिंट आपके सामने है. 6 5, 4, 3, 2, 1. टाइम है बच्चों। ऑफ कोर्स ट्रांसजेनिक प्लांट्स प्रोड्यूस करने हैं बच्चों, आपको फॉरेन डीएनए इंट्रोड्यूस करना होगा, फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस करना होगा और फिर आपको न्यू प्लांट सेल्स उसी पर्टिकुलर जीन से प्रोड्यूस करने होंगे। ऐसे ही आप बना पाएंगे ट्रांसजेनिक। इसमें हम कोई प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन की बात नहीं करेंगे बच्चों, हिब्रिडाइजेशन की बात नहीं करेंगे, सोमैटिक एम्ब्रियोज की बात नहीं करेंगे। ट्रांसजेनिक मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ अ फॉरेन जीन फॉर प्रोड्यूसिंग सर्टेन क्वालिटीज। तो अगर हमारे पास कोई भी मेथड है जिससे हम बेस्ट मेथड अवेलेबल है आज के टाइम पे, दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। ऑलराइट, तो अगर फार्मर्स को मैक्सिमम यील्ड ऑब्टेन करना है, मिनिमाइज यूज करना है फर्टिलाइजर्स का, केमिकल्स का और हार्मफुल इफेक्ट्स एनवायरमेंट के रिड्यूस करने हैं, तो बच्चों बेस्ट सोल्यूशन है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जिनको हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स। ऑलराइट, क्लियर सबको? टीआई प्लाज्मिड इज ऑफन यूज्ड फॉर मेकिंग ट्रांसजेनिक प्लांट्स। तो एक पर्टिकुलर तरह का प्लाज्मिड हम यूज करते हैं, तो ये प्लाज्मिड कौन से ऑर्गेनिज्म में आपको मिलता है? एजोटोबैक्टर, राइजोबियम ऑफ रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, एग्रोबैक्टीरियम, यीस्ट एज अ 2 माइक्रोमीटर प्लाज्मिड। क्वेश्चन बहुत पुराना है, AIPMT 2004 में पूछा गया है बट बहुत रेलेवेंट है। सेम कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो मैं आपके 20 सेकेंड्स का टाइमर शुरू करती हूँ। अब बच्चों जल्दी से अपना राइट आंसर लिख डालो। टीआई प्लाज्मिड जो है ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाने के लिए कौन से प्लाज्मिड के थ्रू लिया गया है? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो बच्चों पॉपुलरली बात करी हमने एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस बैक्टीरिया की। ऑलराइट, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस बैक्टीरिया जो कि यूज किया जाता है फॉर इंट्रोड्यूसिंग टीआई प्लाज्मिड। लेट मी शो यू द लाइन ऑफ एनसीईआरटी है। यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम नेमाटोड स्पेसिफिक जीन्स वर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट प्लांट। और कौन से डीएनए की बात हो रही है बच्चों? यहाँ पर ट्रांसफर टीआई डीएनए की बात हो रही है। ऑलराइट, क्लियर टू यू? सबको क्लियर है? RNA interference technique. All right. Producing of giant mouse in the laboratory was possible through. हम जो एक बड़ा सा माउस प्रोड्यूस कर पाए हैं, ट्रांसजेनिक माइस प्रोड्यूस कर पाए हैं, वो कैसे पॉसिबल है? जीन म्यूटेशन, जीन मैनिपुलेशन, जीन सिंथेसिस, जीन ड्यूप्लीकेशन। यस बच्चों, गिव मी द राइट आंसर फॉर दिस। कैसे हम राइट काइंड ऑफ एक पर्टिकुलर ट्रांसजेनिक एनिमल प्रोड्यूस कर पाए हैं लैब्स में? AIPMT 2000 का क्वेश्चन है। 20 सेकेंड आपके शुरू हो गए, जल्दी से बताइए हाउ इज इट पॉसिबल। बेसिकली सारा चैप्टर बेस्ड है जेनेटिक इंजीनियरिंग पे, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग अपना आंसर बताना है। लास्ट 10 सेकेंड्स हैव स्टार्टेड। 6, 5, 4, 3, 2, and 1। टाइम अप बच्चों। ऑफ कोर्स आप ये पॉसिबल कर सकते हैं। यू कैन प्रोड्यूस अ ट्रांसजेनिक एनिमल जायंट माउस थ्रू जीन मैनिपुलेशन। आपको जीन्स को मैनिपुलेट करना होगा, जीन इंसर्ट करना होगा, डिलीट करना होगा, म्यूटेट करना होगा। राइट, तो ये सब किसका पार्ट है? जीन मैनिपुलेशन का पार्ट है। ऑलराइट, क्लियर? सो बहुत क्लियर है बच्चों। ट्रांसजेनिक एनिमल्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? डीएनए मैनिपुलेशन, मतलब जीन मैनिपुलेशन कैरी आउट करनी होगी। ऑलराइट, तो बहुत क्लियरली एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन आए हुए हैं, ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर दोज व्हिच हैव। ट्रांसजेनिक एनिमल्स एक्चुअल में कौन से होते हैं? AIPMT 1995 से क्वेश्चन। फॉरेन डीएनए उनके कुछ ही सेल्स में प्रेजेंट होता है, फॉरेन डीएनए उनके सबके सब सेल्स में प्रेजेंट होता है, फॉरेन डीएनए, फॉरेन आरएनए उनके सब सेल्स में प्रेजेंट होता है, या डीएनए और आरएनए उनके दोनों सबके सब सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। कौन से एनिमल को आप ट्रांसजेनिक एनिमल्स बोलेंगे? उसके पास क्या प्रेजेंट होना चाहिए, कितने सेल्स में? सम ऑफ दी सेल्स, ऑल द सेल्स, वन सेल। लास्ट 20 सेकेंड बच्चों, हरी अब सोच के अपना राइट आंसर बताइए। जल्दी से अपना राइट आंसर बताइए बच्चों। ट्रांसजेनिक एनिमल कौन सा होगा? फॉरेन जीन अगर आप इंट्रोड्यूस कराएंगे किसी जीएमओ में, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में, तो वो कहाँ जाएगा? वन सेल, सम ऑफ द सेल्स, ऑल ऑफ द सेल। 3, 2, 1, टाइम अप। तो ऑफ कोर्स बच्चों बहुत ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपने एक फॉरेन जीन का इंट्रोडक्शन किसी ऑर्गेनिज्म में कराया है तो इट शुड बी एबल टू प्रोड्यूसेस इफेक्ट इन ऑल द सेल्स। हमें पता है एक सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनता है, तो अगर आपने जीन मैनिपुलेशन की है बच्चों, तो वो आपने सिर्फ सिंगल सेल में नहीं की बल्कि सारे के सारे सेल्स में, सब के सब टिश्यूज में, सब के सब ऑर्गन्स में की है। ऑलराइट, तो फॉरेन डीएनए जो है ऐसे ट्रांसजेनिक एनिमल्स के सब सेल में आपको मिलेगा। सेम जीन्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं सब सेल्स में एक ऑर्गेनिजम्स के। सो दैट्स व्हाई द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ऑलराइट, मैंने बताया है आपको जीन मैनिपुलेशन करेंगे, कहां पर करेंगे, एक जीन इंट्रोड्यूस करेंगे एक सेल के अंदर, बट उससे मल्टी सेलुलर कंडीशन में जाके सब के सब सेल्स में सेम जीन का एक्सप्रेशन आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप बच्चों आज का सेशन आपने एंजॉय किया, बहुत इजीली आपने क्वेश्चंस आंसर किए। मुझे लिख के बताओ कमेंट सेक्शन में टोटल में से कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए, कितने क्वेश्चंस में आपने गलती कर दी। और मैं आपकी मास्टर टीचर कनिका आपको फिर से मिलूंगी इन दी नेक्स्ट सेशन। हमारा सेशन होता है फ्रॉम एवरी ट्यूसडे टू फ्राइडे 5:30 to 7 PM विद सम न्यू चैप्टर। तब तक आप रिवाइज करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना, और नेक्स्ट सेशन में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।